नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। ज्ञानपुर विधानसभा सीट को यूपी की सियासत में काफी अहम माना जाता है। ये सीट उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में आती है। यहां सातवें फेज में 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इस बार यहां बीएसपी के उपेंद्र सिंह, सपा के रामकिशोर बिंद, कांग्रेस के सुरेश चंद्र मिश्र, बीजेपी के मुनेश्वर गुप्ता, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के विजय मिश्रा के बीच मुकाबला है। ज्ञानपुर विधानसभा सीट का गठन वर्ष 1962 में हुआ। ये सीट बाहुबली नेता विजय मिश्रा के कारण सुर्खियों में रहती है। पिछले 4 बार से वे सपा से विधायक हैं। साल 1952 और 1957 के चुनाव में यह क्षेत्र ओराई के भदोही से जुड़ा था। इस विधानसभा क्षेत्र में हुए कुल 12 चुनाव परिणामों में एक बार भी कोई महिला विधायक नहीं बनी। पहली बार 1962 में कांग्रेस के हरज्ञान सिंह ने चुनाव जीता था। साल 2002, 2007, 2012 और 2017 में विजय मिश्रा जीत का परचम लहराकर विधायक चुने गए थे। ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर साल 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो यहां निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमा दल के विजय मिश्रा ने जीत का परचम लहराया था। उन्होंने बीजेपी के महेंद्र कुमार बिंद को 20,230 वोटों के अंतर से मात दी थी। विजय मिश्रा ने 66,448 वोट हासिल किए, वहीं महेंद्र कुमार बिंद को 46,218 वोट मिले। बीएसपी के राजेश कुमार यादव 44,319 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। साल 2017 में वोट प्रतिशत 31.81 रहा। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटर्स की संख्या 3,64,749 है। इसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 2,736 और महिला वोटर्स की संख्या 1,63,990 है। यहाँ ब्राह्मण वोटर 1,00,000, बिंद वोटर 50,000, दलित 50,000, यादव 20,000, मुस्लिम वोटर 20,000 हैं। इसके अलावा ठाकुर वोटर 20,000, वैश्य वोटर 20,000, मौर्य वोटर 15,000 हैं। इस सीट पर इस बार हो रहे सियासी रण में सभी उम्मीदवार और राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए कई तरह के दावे और वादे किए जा रहे हैं। इलाके में विकास की गंगा बहाने की बातें कही जा रही हैं। उम्मीदवार और पार्टियों के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर वोटर्स से अपने अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। लेकिन इस विधानसभा के वोटर इस बार के चुनावी रण में किस पर भरोसा करते हैं, किसके पक्ष में मतदान करते हैं और कौन यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचता है, ये सब 10 मार्च को नतीजों वाले दिन हम सबके सामने होगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।